हेलो जी, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो माय नेम इज अश्विनी एंड आई एम वर्किंग एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर। और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका पहला प्रोजेक्ट। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, अगर हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की परवाह होती है, जो कि होता है हमारा पहला प्रोजेक्ट। और आप बोलोगे कि क्यों परवाह होती है, अगर आप अभी कॉलेज में हो तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, अगर आप काम कर रहे हो तो आप इस बात को समझ जाओगे, और आप अभी प्रोजेक्ट मिलने वाला है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। देखो, हमें जो पहला प्रोजेक्ट मिलता है वो कोई भी कंपनी हो, हम यहाँ पे कंपनी को नहीं देखेंगे कि प्रोडक्ट बेस है या सर्विस बेस है, क्योंकि हर कोई काम करता है, वो इतना मैटर भी नहीं करता। इनिशियली कुछ पैकेजेस में डिफरेंसेस होते हैं, कुछ साल बाद सब बराबर हो जाते हैं, ठीक है, इतना कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। ये सब वीडियोज जो पब्लिश हो रही है हाइप बना बना के कि 60 लाख 50 लाख, वो CTC और बेस में बहुत फर्क होता है, तो अपने आप को डिमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। 5-6 साल बाद आप भी वहीं होंगे, ठीक है, जहाँ पे सारे लोग होंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ से निकल के अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि अपना पहला प्रोजेक्ट क्या है। देखो, ये मैटर करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो आपका करियर पाथ बनेगा। जैसे कि अगर मैं किसी सर्विस कंपनी में जाता हूँ और मुझे एज एन सी डेवलपर की, लाइक C++ डेवलपर की पोजीशन मिलती है, मुझे टैबलू डेवलपर या फिर इन्फॉर्मेटिका डेवलपर, इन सब की डेटा एक्सट्रक्शन की पोजीशन मिलती है, तो इन सब के बीच में क्या होगा कि मेरा एक जो करियर होगा वो इन्फॉर्मेटिका बन जाएगा। अगर मेरे को टैबलू मिलेगा तो मेरा जो करियर होगा वो टैबलू हो जाएगा। अगर मुझे जावा पे, फुल स्टैक पे या फिर फ्रंट एंड पे प्रोजेक्ट मिलता है तो मेरा जो आने वाले जो करियर के आगे का ग्राफ होगा वो डिपेंड करेगा मेरे पहले प्रोजेक्ट पे। इसी वजह से बहुत सारे लोग होते हैं, उनके साथ ट्रेजेडी होती है कि उनको कुछ ऐसा मिल जाता है, लाइक मैनुअल टेस्टिंग मिल गई, अगर मेरे को टैबलू मिल गई, मेरे को इन्फॉर्मेटिका मिल गया, तो मैं उसी में रह जाता हूँ। अब देखो, हर किसी के वो एक लॉजिस्टिक्स नहीं होते हैं, हर किसी को वो गाइडेंस नहीं मिलती है कि मान लो कि मुझे जाना है अभी डेटा साइंस में, मुझे मिल जाता है जावा, तो वहाँ मैं कैसे जाऊँगा। और बिलीव मी, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज मैंने एक डेटा वेयर हाउस से जब जावा में स्विच किया था तो मेरे को ही पता है कि कितना डिफ़िकल्ट था वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी में डोमेन चेंज करना। तो हमारा प्रोजेक्ट जो होता है, हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम लाइफ में आगे क्या करेंगे। तो अब मेरे से पूछेगा अश्विनी कि यार फिर हम देखें कैसे, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है हम इसको देखें कैसे, हमारा प्रोजेक्ट है क्या, है हमें मिल क्या रहा है ना। देखो, इसमें अगर आप सर्विस कंपनी ज्वाइन करोगे, है ना, अगर आपका जो प्रोडक्ट, आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपके सर्विस कंपनी में, तो आपके ऊपर डिसाइड ही नहीं होता है कि आपको डोमेन क्या मिलेगा, लेकिन प्रोजेक्ट आप डिसाइड कर सकते हो बड़ी कैसे। देखो, अगर आपको टैबलू मिलता है, वो मिलता है, उसमें मेहनत को, हर डोमेन अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे से पूछते हैं सैप कैसा है और डेटा वेयर हाउस कैसा है, देखो सारे डोमेन अच्छे हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, आपको बस मेहनत करने की ज़रूरत है जैसे आपने कॉलेज और स्कूल में की है। अब बात आती है प्रोजेक्ट्स की। देखो, अगर आप सर्विस बेस कंपनी की ट्रेनिंग क्लियर करोगे, आपके पास प्रोजेक्ट्स की कॉल आएंगी। आपको लोकेशन पसंद नहीं है, आप मना कर सकते हो, आपको प्रोजेक्ट पसंद नहीं है, आप मना कर सकते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अक्सर करके सारे लोग पूछते हैं कि आप देखोगे कैसे कि सपोर्ट का प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, और आपका रोल क्या है। देखो, यहाँ पे मैं एक बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही एक बात तुमको थोड़ी सी गलत लग सकती है कि अश्विनी ऐसा क्यों कह रहे हो, बिकॉज देखो, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट जाते हो तो 90-95% चांसेस हैं कि आपको सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिलेगा। सपोर्ट से आप क्या समझते हो? सपोर्ट का प्रोजेक्ट ऐसे नहीं है कि आपको कोई कुछ मतलब बेकार काम करवाया जाएगा। यार देखो, अगर आप मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट 5% स्टूडेंट कि उनको सब कुछ आता है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो 95% स्टूडेंट जिनको कॉलेज में हम वही पढ़ते हैं जो हमें पढ़ाया जाता है, हमें थोड़ा बहुत जावा वगैरह की नॉलेज होती है, थोड़ा बहुत अलग फ्रेमवर्क्स की नॉलेज होती है, लेकिन जो हमारे जो प्रोजेक्ट बंद में काम होते हैं, जो रियल टाइम में जो प्रोजेक्ट्स पे APIs बनती हैं, वो डिफ़िकल्ट होती है। अगर मैं किसी भी फ्रेशर को जाके सीधे वो API बनाने के लिए दे दूंगा तो ऑब्वियसली बात है वो कोड फट जाएगा, है ना। एंड अगर उस कोड के फटने से प्रोडक्शन पे अगर वो है, अगर वो कोड चला गया है, मान लो बाई चांस कैसे भी चला गया, वैसे बहुत मुश्किल होता है कि ऐसा कोड मतलब प्रोडक्शन में जाना, तो अगर ऐसे मेरे साथ हुआ था कि मैंने DB उड़ा दिया था, ठीक है, मैं फ्रेशर था तो मैंने DB उड़ा दिया था, बट वो एक लग बाई चांस था कि जो DB ओनर थे उनके पास उनका बैकअप था तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी। बट ऐसा आपके साथ कोई ना कोई केस होगा कि आपको अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में डाल दिया, बिकॉज मैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में था, तो बहुत सारे आपके गले पे हमेशा तलवार लटकी रहेगी। और ये थोड़ा सा गलत भी होता है, अगर मैं कोई फ्रेशर है, जैसे मेरे यहाँ पे है, जैसे मैं अगर किसी कंपनी में जाता हूँ तो अगर मेरे से बोलेगा कि यार फ्रेशर है, उन पे यहाँ पे इस कंपनी, करंट कंपनी में, जैसे सॉरी मैं करंट कंपनी की बात कर रहा हूँ, पिछली कंपनी में, सेपियंट वगैरह में,
या फिर एयरटेल में, किसी भी कंपनी की बात कर लो आप, है ना, उन सब में उनसे जस्ट लाइक यूनिट टेस्ट और इनिशियल यूनिट टेस्ट और जो कि API के यूनिट टेस्ट है वो लिखने के लिए, है ना, वो टेस्ट केसेस दिए जाते हैं, फंक्शन प्रोग्राम मतलब फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट उनको समझने के लिए दी जाती है, लाइक 15-20 दिन 1 महीने, तो वो कोई सपोर्ट का प्रोजेक्ट नहीं होता है दोस्त। आप हो डेवलपमेंट में, आपको पता है API कैसे चल रही है, आपको पता है, अगर मैं टैबलू की बात करूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ कि यार चलो ये इन्फॉर्मेटिका की बात कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ मैपिंग बनानी है, आपको सिर्फ स्क्रिप्ट लिखनी है, तो वो कोई आपका प्रोजेक्ट तो डेवलपमेंट है ना, आपकी बाकी की टीम जो है पूरा डेवलपमेंट कर रही है ना, आप जो कर रहे हो काम वो इसलिए कर रहे हो यूनिट टेस्ट वगैरह का कि आप फ्रेशर हो, और विली मी आपको काम करना पड़ेगा 2-3 साल तक 4 साल तक, है ना, काम करना पड़ेगा, पहले नहीं करना पड़ेगा, हो सकता है कि आप डेवलपमेंट करो फिर आप उसके बाद मतलब थोड़ा सा ये सपोर्ट भी करो। यार आप क्या कह रहे हो, मैं खुद होता है कि कभी कभी सपोर्ट करता हूँ, मतलब जैसे प्रोडक्शन पे सपोर्ट कर रहे हो आप, यूनिट टेस्ट केसेस लिख रहे हो, मैं अभी भी यूनिट टेस्ट केसेस लिख रहा हूँ, तो वो तो एक डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई API बनाएगा तो वो यूनिट टेस्ट लिखेगा, है ना। ऐसे ही हर केसेस में मान लो कि इन्फॉर्मेटिका के वहाँ तो यूनिट टेस्ट का कोई केस नहीं बनता है, लेकिन आपका जो आपने काम किया आप उसको सपोर्ट करोगे ना, तो वो तो रही एक एक्सपीरियंस डेवलपर की बात। अब एक फ्रेशर की बात, जैसे हम कर रहे थे कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो उसको मैं कैसे देखूंगा, कैसे, है ना, कि फ्रेशर के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई सपोर्ट का है वो है, तो देखो आपको जैसे मैंने बोला कि मिलेगा ही सपोर्ट प्रोजेक्ट, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको मैं डायरेक्ट बोल दूँ ले भाई तू API बना ले, आपसे बनेगी भी नहीं, आपको समझ में भी नहीं आएगा, अगर मेरे को कोई दे दे कि हाँ बनाने के लिए, मुझे समझ में नहीं आएगा एज एन फ्रेशर और मैं कर भी नहीं पाऊंगा, राइट। इसी वजह से आपको मैक्स टू मैक्स आपकी जो टीम होती है वो डेवलपमेंट पे काम कर रही होती है, जो 4-5 साल वाले एक्सपीरियंस के बंदे होते हैं वो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, और आप यूनिट टेस्ट केसेस या फिर कुछ और चीज़ें, बग फिक्सिंग या फिर कहीं पे एरर आ गई उसको रिजॉल्व कर रहे होते हो, क्यों, क्योंकि आपको उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब आप धीमे धीमे आओगे प्रोजेक्ट में, आपको फंक्शन नॉलेज हो जाएगी, आपको APIs की नॉलेज हो जाएगी, आप उन चीज़ों को ग्रैब करने लगोगे तो आप मास्टर बन जाओगे, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाएगी, तब आपको धीमे धीमे एक API दी जाएगी। जैसे मान लो कि कोई API, मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई API है वो डेटा फैच कर रही है, अब मुझको उस API के डेटा में मेरे को क्या करना है कि अभी वो डेटा ऐसे डिस्प्ले हो रहा है कि कुछ ऑर्डर में डिस्प्ले हो रहा है, मेरे को उसका ऑर्डर चेंज करना है, लाइक आप ट्री मैप यूज़ करोगे, आप शॉर्टिंग यूज़ करोगे, जो भी यूज़ करोगे वो आपका मर है ना, लेकिन कोड नहीं फटना चाहिए मेरा पुराना वाला, है ना, तो आप उस कोड को रिव्यू के लिए भेजोगे, आपका जो भी सीनियर डेवलपर होगा उसको रिव्यू करेगा, वो पाइपलाइन में जाएगा, अब जब भी आपका अप्रूव होगा वो प्रोडक्शन पर चली जाएगी, है ना। अब ये तो आप ही का कोड हुआ, लेकिन वो छोटा सा कोड हुआ कि आपने सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है पहले से किसी API का, लेकिन आपने डेवलपमेंट का काम तो किया, तो यही फर्क है कि आप थोड़ा दिन तक काम कर लोगे। हाँ, अब यहाँ पे बात आती है कि हाँ आप थोड़ा दिन तक काम कर लोगे, उसके बाद आपको ये थोड़े छोटे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट मिलते हैं, फिर आपको जैसे 2-3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप खुद का प्रोडक्ट ओन करने लग जाओगे, एंड बिलीव मी ये छोटे छोटे जो काम मिलते हैं इसमें बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक तरह जब आपके पास वो जिम्मेदारी आएगी आप खुद कहोगे यार मैं वही सही था जो मैं वो वाला काम कर रहा था, हाँ, लेकिन हाँ अच्छी बात है कि आप समय के साथ ग्रो करते हैं तो आपको डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भी मिलने लग जाते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यार एक्सपीरियंस के लिए, देखो यार उनके लिए थोड़ा सा ये गड़बड़ वाली बात है, मान लो कि अभी मैंने डेवलपमेंट पे काम किया है ना, और आप मुझे फॉर परमानेंटली एक ऐसी चीज़ पर डाल दो कि वहाँ पे मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, है ना, और मैं सिर्फ यूनिट टेस्ट केसेस लिख रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग यूनिट टेस्ट केसेस बेकार होता है, बट मेरा जो काम है कि मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, आप सिर्फ मुझे वो चीज़ों पर परमानेंटली डाल रहे हो, आप मुझे सिर्फ लॉग लिखने पर परमानेंटली डाल रहे हो, आप मुझे सिर्फ बग फिक्सिंग पर परमानेंटली डाल रहे हो, है ना, तो वो एक एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए बहुत ही बेकार बात हो जाती है, वो नहीं करनी चाहिए, है ना। और अगर वो आपके साथ बार बार हो रही, जैसे अभी मैं किसी चीज़ पर काम कर रहा हूँ, तो मैंने 3-4 महीने किसी और चीज़ पे काम किया था, 3-4 महीने किसी और चीज़ पे काम कर रहा हूँ, तो अगर आपको कोई ऐसा परमानेंटली कोई काम दिया जा रहा है तो दैट्स नॉट गुड। अगर आपको ऐसे कोई काम दिया जा रहा है कि कुछ दिनों के लिए जा रहा था, महीनों के लिए जा रहा था, तो यार देखो वो सब करते हैं, और एक डेवलपर की वो तो मैंने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लिखोगे कोड तो आपको उसका यूनिट टेस्ट केस भी लिखने पड़ेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिका वगैरह में क्या होता है कि अगर आपने कहीं से डेटा एक्सट्रैक्ट करके ला रहे हो, आपकी स्क्रिप्ट आपकी मैपिंग है, है ना, आप टैबलू में भी डेटा रिप्रेजेंट करते हो, है ना, तो इन सब चीज़ों में जब आप काम कर रहे हो तो आप सपोर्ट तो करोगे ना, कि अगर आप मैपिंग, आपकी मैपिंग फट गई, मान लो कि अभी मेरी मैपिंग चल रही है कुछ डेटा में, कुछ आपने जो भी कीज़ वगैरह बनाई है मैपिंग में इन्फॉर्मेटिका में, और वो अभी किसी ने DB में चेंज कर दी, तो उनको कौन देखेगा, आप ही देखोगे ना, बिकॉज आपका वर्क है। तो अब बात आती है कि ये हम देखेंगे कैसे, है ना, कि अब हमने यहाँ तक कंप्लीट क्या कर लिया कि हमारा सपोर्ट प्रोजेक्ट, हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो हमारा इसका कंक्लूजन क्या है, हमारा ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि देखो एज एन फ्रेशर आपको सपोर्ट का काम मिलेगा, है ना,
अगर आप, पहली चीज़ है यहाँ पे कि आपको सपोर्ट का काम मिलता है जावा में, अगर आपको जावा पसंद है तो गुरु उसको आंख बंद करके चुपचाप कर लो। अगर आपको सपोर्ट का काम पसंद है टैबलू में, आपको सपोर्ट का काम पसंद है इन्फॉर्मेटिका में, अगर उन्हीं प्रोजेक्ट में आपको मिल रहा है, अगर ऐसा नहीं है कि आप सो टैबलू और इन्फॉर्मेटिका का नाम लेके आपको किसी डेटा एंट्री का काम दे दिया, तो उसको पहले आपके पास ट्रेनिंग खत्म करने का, आपकी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आपको कॉल आएगी, आपको कॉल आएगी, आपको सीधे पूछना है अपने मैनेजर से जो आपको कॉल करेगा कि मेरा इस प्रोजेक्ट में रोल क्या होगा। अब वो तुम्हें बताएगा, पहली चीज रोल से, पहली चीज सबसे पहले पूछना इस प्रोजेक्ट का टेक स्टैक क्या है। देखो फ्रेशर की तरह डरने की जरूरत नहीं है कि सर ने फोन कर दिया तो सीधे चले गए, नहीं, पहले पूछना है कि मेरा इस प्रोजेक्ट का टेक स्टैक क्या है। और ये हर चीज में लाइव होता है, अगर आप किसी और नई कंपनी में जाओगे तो मैनेजर राउंड में भी पूछना है कि इस प्रोजेक्ट का टेक स्टैक क्या है, ये प्रोजेक्ट में हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, वही सेम चीज़ टेक स्टैक क्या है, वो डीबीबी तुम्हें सब बता देगा। उसके बाद तुम्हारा रोल क्या होगा इसमें। अब मैनेजर अगर झूठ बोलता है तुमसे कि जैसा कि हुआ था एक बार मेरे साथ, है ना, कॉग्निजेंट में, कि यार मैनेजर तुमसे कहता है कि यार प्रोजेक्ट तो इस टेक स्टैक पे है और तुम्हें वहाँ जाके क्या करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, एक वेबसाइट से डेटा एक दूसरी जगह पे डालना है, देन इट विल बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर यू, कि तुम आए थे उस प्रोजेक्ट में किसी और चीज़ का सोच के, अब तुम काम कर रहे हो किसी और चीज़ पे, तो ये बहुत गलत बात है। यहाँ पे अपने मैनेजर से पूछो भाई मैं काम नहीं करूँगा, अगर वो नहीं सुनता है तो मेल उठा के सीधे उसके हायर मैनेजर को पटको, अगर वो भी नहीं सुनता है तो भाई फिर सीधा अपना जो टेक्निकल डायरेक्टर वगैरह होते हैं उनको रख दो सीसी में कि भाई मेरे को इस प्रोजेक्ट में क्या क्या लाया गया है, कि भाई काम जो होगा वो इन चीज़ों पर होगा, जब मैं प्रोजेक्ट में आया था कुछ नहीं, डेटा एंट्री का काम है, आपको दो मिनट में रिलीज मिल जाएगी, ठीक है, कहना मेरे को करना ही नहीं है इस पे काम, मेरी ट्रेनिंग उस पे हुई है, तो मतलब क्या बनता है। अब सेम यही चीज़ लाई होती है कि एक्सपीरियंस डेवलपर्स के लिए, कि मान लो कि आपको हायरिंग हुई है और आपको हायर कर लिया है जावा डेवलपर पे या फिर फ्रंटएंड, मतलब फ्रंटएंड का तो देखो बेसिकली इतना कुछ होता नहीं है, एंगुलर पे काम किया होगा आप, रैक पे कर लोगे जरा सा, बस आपको सीखने की जरूरत है, तो आपको फ्रंटएंड पे काम हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन आपको पूरा टेक स्टैक ही चेंज है। लेट सपोज अभी आपको, आप काम कर रहे हो किसी और बैकएंड या फिर स्काला पे हो या जावा पे, अगर मेरे से कोई सीखने के लिए बोलेगा कि 15 मिनट में दे रहा हूँ, मतलब 15-20 दिन दे रहा हूँ, तो दैट्स फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर कोई मेरे से ये कह रहा है कि तुम डेवलपमेंट कर रहे हो, कि मैं बनाता था APIs वगैरह पे काम कर रहा हूँ, मेरे को कोई सेलेनियम दे रहा है कि चलो ऑटोमेशन कर दो, दैट्स मेकिंग अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी, कि तो फिर मैं बात करूँगा अपने हायर मैनेजर से। होता है, बहुत बार होता है, लोग आपको ले जाते हैं ये झूठ झूठ बोल के। तो ये सारी वीडियो का कंक्लूजन है कि हमें क्या करना है। सपोर्ट प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा सीखो, 1-1.5 साल काम करो, उसके बाद सोच मारो। और उसमें फ़ायदा क्या होगा कि आप सपोर्ट पे भी काम कर रहे हो, आपने डेवलपमेंट वाला भी प्रोजेक्ट देखा, जब आप सोच मारोगे तो आप बता सकते हो मेरा यार इंटरव्यू में ये थोड़ी ना बताने की जरूरत है कि आपने सपोर्ट वाला काम किया है, इंटरव्यू तो आप बोलोगे आपने डेवलपमेंट में काम किया, वो आपसे डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप कंफर्टेबल इनफ हो कि बताने के लिए वो क्वेश्चंस वगैरह, तो गो अहेड, मतलब आप कर सकते हो, जरूर, ये झूठ थोड़ी हुआ, आप प्रिपेयर कर लो ना खुद को, आपने खुद से पढ़ाई की है ना। अगर आप अपने कॉलेज में भी जब आप इंटरव्यू में अपेयर हुए थे आपने बताया ना सब चीज़, मतलब झूठ थोड़ी होती है, आपने खुद के लिए प्रिपेयर की है वो सारी चीज़ें। तो आई होप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी और समझ में आया होगा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है और सपोर्ट प्रोजेक्ट क्या है और आपके लिए पहला प्रोजेक्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वीडियो का पूरा कंक्लूजन यही है कि प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा मतलब है कि पहला प्रोजेक्ट मेरा पूरा करियर डिपेंड करता है, और सपोर्ट और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट ऐसा है, टोटली डिफरेंट है, कि आपका प्रोजेक्ट आपकी स्किल्स और हैं, टेक स्टैक और कोई है, और आपको जो प्रोजेक्ट मिल रहा है उसका टेक स्टैक कुछ और है, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। टिल देन मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, और अगर मेरे लिए कुछ और नए टॉपिक्स हैं और चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे बात करें हम लोग, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, बाय।